आपका फिटनेस गोल कोई सा भी हो, जैसे आप वेट गेन कर रहे हो या फैट लॉस कर रहे हो, पर क्या आपको पता है जो मैं ये 4 फूड बताने जा रहा हूँ, अगर आप उसको कंज्यूम करते हो तो आपको ये जानकर हैरानी होगी, आप अपने फिटनेस गोल को शायद ही अचीव कर पाओ। सभी लोगों को पता भी नहीं है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। लेट अस फाइंड आउट इन दिस वीडियो कौन कौन से वो 4 फूड है जो आपकी किचन में रखे हुए हैं। जी हाँ, आप सबको ये बात जानकर हैरानी होगी और मैं उन फूडों के रिप्लेसमेंट भी आप सबको बताऊंगा कि आप कैसे उन अनहेल्दी फूड को एक अच्छे फूड में रिप्लेस कर सकते हो। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू माई चैनल गाइस। तो हम सबसे पहले बात करेंगे रिफाइंड ऑयल की। रिफाइंड ऑयल जो कि 90% लोग इंडिया में कंज्यूम करते हैं, और क्या आपको पता है आपको हेल्दी ऑयल बोल के आपको एक जहर पिलाया जा रहा है। जी हाँ, आप सभी लोगों ने सही सुना है। रिफाइंड ऑयल जो कि 3 प्रोसेस से बनता है, जिसको 200 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। 200 डिग्री टेम्परेचर आप सबके लिए बहुत ही हानिकारक है, इससे आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती है। 200 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो उससे इस ऑयल में से क्या क्या निकल जाता है, जैसे आपके जो इतने भी अच्छे फैटी एसिड्स हैं वो चले जाते हैं। जब इसे गर्म किया जाता है तो इसके अंदर के सभी विटामिन मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं, तो आपके पास एक क्या बचता है, आपके पास तेल के नाम पर एक केमिकल ही आपको पिलाया जाता है, और जिसे आप हेल्दी समझ के उसका कंज्यूम कर रहे हो तो लगाना आप लोगों को झटका। तो अब हम रिफाइंड ऑयल की जगह किस ऑयल का उपयोग करें, क्योंकि मोस्टली सभी मीलों में अपन रिफाइंड ऑयल का उपयोग करते हैं इंडिया में। हेल्दी रिप्लेसमेंट इसका क्या है, वो है अमारल्स और मस्टर्ड ऑयल को प्रोसेस्ड करके नहीं बनाया जाता है, उसकी एक अलग प्रोसेस है। अगर मैं इस वीडियो में अब इन सब चीज़ों पर बात करूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबी खिंच जाएगी। तो आप सरल भाषा में ये सारा मस्टर्ड ऑयल, जी हाँ मस्टर्ड ऑयल इंडिया में सालों से उपयोग किया जा रहा है एक पुराने समय से, जो बहुत ही अच्छा है, जिसमें विटामिन मिनरल्स भी। मस्टर्ड ऑयल इसका हेल्दियर ऑप्शन है, तो आप उसे अपनी डाइट में इंक्लूड करें। और ये बात मुझे शुरू में बोलनी चाहिए जो कि मैं अब बोल रहा हूँ, अगर आप अपनी डाइट में सब कुछ अच्छा रखोगे पर आप ऑयलिंग पर ध्यान नहीं दोगे तो आपको अपना फिटनेस गोल कभी भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ऑयल एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी मील में रोल प्ले करता है आपकी फिटनेस जर्नी में। फोकस्ड रहें अपनी हर मील पर। पर दो पर जाने से पहले हम बात करेंगे गेहूं की। गेहूं जो होता है, गेहूं में 3 लेयर्स होती है। पहली लेयर होती है बर्न, दूसरी होती है एंडोस्पर्म, तीसरी होती है जर्म। तो ये इसकी 3 लेयर्स होती है, जिसमें भारी लेयर में होते हैं फाइबर्स जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप अपनी मील में फाइबर्स ऐड नहीं करोगे तो आप अपने फिटनेस गोल में आप वेट लॉस नहीं कर पाओगे, और आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज भी हाई होगा आपकी डाइट में फाइबर्स ना होने की वजह से। तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, पर हमारा दूसरी फूड का नाम आता है जो है मैदा। जी हाँ, मैदा, वाइट फ्लोर जिसे आप सबने सुना होगा, मैदा जिसे हम ब्रेड के रूप में कंज्यूम करते हैं, भले ही वो आपका ब्राउन ब्रेड क्यों ना हो, उसमें भी सिर्फ आपको ब्राउन ब्रेड गेहूं का बोल के आपको सिर्फ 30% उसमें आटा होता है, 70% वो मैदा ही है। मैदा बनता है पूरा वो उसी तरीके से बनता है गेहूं से, पर जो गेहूं की भारी लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रेन, तो उस ब्रेन को निकाल दिया जाता है, आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट बढ़ाता है, इसलिए आपको मैदा को रिप्लेस करना पड़ेगा। इसका रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है आटा। जी हाँ, आटे को आप मैदे से रिप्लेस कर दीजिए, और जो कटिंग पर चल रहे हैं, मतलब जो अपनी बॉडी में से फैट घटा रहे हैं कटिंग पर चल रहे हैं, तो वो ज़्यादातर आटे को कंज्यूम नहीं करते हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए है हमारा दूसरा ऑप्शन, वो है बेसन। जी हाँ, आप बेसन के चीले बनवा सकते हो रोटी की जगह पर, तो ये मैदा का ऑप्शन रहा। तो आप मैदा को कंज्यूम ना करें। जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सभी लोग इस बात को ध्यान से सुने। तो नंबर 3 पर हम बात करेंगे शुगर की। मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन बताऊँगा जिससे आपको उसे बंद नहीं करना पड़ेगा, मैं उसका रिप्लेसमेंट बताऊँगा। तो अब अपनी शुगर इतनी हानिकारक क्यों है,
वो एक प्रोसेस्ड शुगर होती है जिसमें कैलोरीज हाई होती हैं और न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। का 1 से 2 किलो वज़न 21 दिन में सिर्फ शुगर कम करने से ही घट जाएगा। शुगर, अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ शुगर के बारे में, जिसे सुनकर आप सभी लोगों को एक हल्का सा झटका लग सकता है। शुगर जो कि कोकेन से, जी हाँ, कोकेन से 8 times ज़्यादा एडिक्टिव होती है। जब आप शुगर का कंज्यूम करना स्टार्ट करते हो तो आपके मन में ये क्रेविंग्स आना स्टार्ट हो जाती हैं शुगर के प्रति, और जो कि आपकी क्रेविंग्स को बढ़ाती है, जो आपके फिटनेस गोल में एक बाधा डाल सकता है। तो आप शुगर को छोड़ दें, आपके जो वैली फैट है उसमें आपको बहुत ही बड़ा अंतर। पर मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मीठा खाना छोड़ दें। अब हम देख रहे हैं दानिक, जो कि आपके लिए एक हेल्दियर ऑप्शन बताता है आपकी लाइफस्टाइल के लिए, जो आपकी फिटनेस जर्नी को इतना टफ नहीं बनाता है। तो उसके लिए हम इसका सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट ला रहे हैं मिश्री। इतनी हेल्दी ऑप्शन होती है मिश्री, भी आपको कैसी लेनी है जिसमें धागा लग के आता है। आपने अपने नज़दीकी किराने की दुकान पर आप जाके चेकिंग करें तो आपको मिश्री लानी है। अब उसका आपको उपयोग कैसे करना है, आपको उसका पाउडर बनाना है मिक्सर में, उससे अच्छे से मिक्स कर लें और उसका पाउडर बनाएं, और जहाँ जहाँ पे आप शुगर का जितना उपयोग करते हो उस जगह उसको डालें। मिश्री में आपको विटामिन भी मिलेंगे और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत हाई है। तो रही ना ये अच्छी बात आप सबके लिए, आप मीठा भी खाओ पर हेल्दी खाओ। अब हम चलते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसे भी आप सभी 90% नहीं 99.9% आप सभी उपयोग करते हो और आपको पता भी नहीं है आप किसका उपयोग कर रहे हो, किस जहर का उपयोग कर रहे हो। तो उस जहर का नाम है जी हाँ, मुझे उसे जहर कहने में बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि जब अपनी बॉडी में कुछ बेकार जाता है तो मैं तो उसे जहर ही कहूँगा। अब अपन उससे मर नहीं रहे तो क्या होगा। तो हम बात करेंगे सॉल्ट की, जी हाँ नमक। ज़्यादा भाषणबाजी ना करते हुए मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूँ, सॉल्ट को रिफाइंड प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। जी हाँ, जिस तरह से आपकी केमिकल्स के द्वारा शुगर बनती है, ठीक उसी प्रकार आपका सॉल्ट भी बनता है। जब इसे रिफाइंड प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है तो ये बहुत ही केमिकल्स के द्वारा हानिकारक हो जाता है। इससे अपन को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो प्रॉब्लम है अपनी ब्लड प्रेशर, की बॉडी एक्स्ट्रा वाटर को होल्ड करके रखती है, जिसे बॉडी से फ्लश करना बॉडी के लिए बहुत ही टफ हो जाता है। तो जब आप वेट लॉस करते हो, या वेट लॉस छोड़ो, आपका फिटनेस गोल कोई भी हो, या आप एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी रहे हो, तब भी आपके लिए नमक हानिकारक ही है। तो क्या अब हम नमक खाना बंद कर दें, तो क्या अब नमक की जगह हम कुछ नहीं खा सकते। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप एक बार फिर से गलत हो। देयर ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है, जो कि है रॉक सॉल्ट। जी जहाँ आप नॉर्मल सॉल्ट का उपयोग करते हो उसकी जगह पे आप रॉक सॉल्ट का उपयोग करें। रॉक सॉल्ट की न्यूट्रिशन वैल्यू भी अच्छी है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और आप इसे भी शुगर का और सॉल्ट का आप ये टेस्ट 21 दिन के लिए करके देखें, और आपको बहुत ही अच्छे बॉडी में चेंजेस दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि जो लोग जिम जाते हैं या जो एथलीट है वही इन चीज़ों को फॉलो करें, नहीं, आप सभी लोग जो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, जो सुबह अपने ऑफिस जाते हैं या जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं, वो सब भी इसको ट्राई करें, क्योंकि जितना बन सकता है अपन उतना हेल्दी रहेंगे। तो ये हमारे 4 फूड है और उनके रिप्लेसमेंट है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें, आप अपने किसी एक फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं आपसे एक अगली इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी फिट।